हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडे वीडियो, मैं सभी व्यूअर्स से जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं कहना चाहूँगी, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज आगे हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ आएंगे एंड आई डोंट वांट कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो सब पीछे रह जाएँ किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में। सो फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून विद दिस चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे वीडियो। आज का हमारा न्यू टॉपिक है, दैट इज़ जावा इन्यूमरेशन। बेसिकली हमें यूज़ करना है enum कीवर्ड, या हम कह सकते हैं मॉडिफायर को, एंड क्रिएट करेंगे हम enum एज अ क्लास इनसाइड आर मेन क्लास। सो आज की इस वीडियो आप पूरी फुल्ली देखिएगा ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। एंड यस, मैं ये की पॉइंट्स आपको प्रोवाइड इसलिए कराती हूँ बिकॉज आपको ईजिली और अच्छे से समझ में आ जाए जिस तरीके से मैं लर्न रखती हूँ चीज़ों को। सो अगर आप उसी तरीके से चलेंगे सो आई थिंक कि आपके लिए बेस्ट रहेगा आगे तक, ताकि आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है अपना इन्यूमरेशन, एंड यहाँ पे मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स एंड की फैक्ट्स जो है मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। सो लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, इन्यूमरेशन को आप कह सकते हैं एक टाइप ऑफ क्लास है, या हम कह सकते हैं कि एक टाइप का क्लास का क्या है, ये टाइप है, या हम इसे कह सकते हैं नॉर्मली हमें क्लास क्रिएट कर रहे हैं। बट ये जो enum की जो क्लास होगी ये डिफरेंट होती है हमारी किस से, जो हमारी मेन क्लास होती है जिसमें हमारा मेन मेथड यूज़ होता है, उस क्लास से ये हमारी डिफरेंट होती है। क्यों होती है? बिकॉज ये जो हमारी इन्यूमरेशन होती है इसको हम यूज़ कराते हैं एज पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल, बट जो क्लास में हम एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड कराते हैं उनको हम फाइनल प्रोवाइड नहीं करा सकते, ना स्टैटिक प्रोवाइड करा सकते। सो ये हमारा मेन डिफरेंस है क्लास के अंदर एंड अपना इन्यूमरेशन के अंदर। आपने देखा होगा हमने प्रीवियस वीडियोस में फाइनल प्रोवाइड कराया था अपने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को, सो वो एट्रीब्यूट्स उस वैल्यू को कैच नहीं कर पा रहे थे एज एन आउटपुट। बट हेयर इन्यूमरेशन में अगर हम किसी भी एट्रीब्यूट को या जो एलिमेंट्स कंटेंड है उनमें हम फाइनल एट्रीब्यूट प्रोवाइड कराते हैं, तो रादर देन एरर प्रोवाइड कराने के वो हमें रेस्पेक्टिव आउटपुट प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है इलेक्ट्रिकली प्लस नंबरिंग। ऐसा मैंने क्यों लिखा है? बिकॉज मैं इसे ऐसे याद करती हूँ, ई न्यूमरेशन दैट इज़ जो भी हम एलिमेंट अपने डेस्कटॉप पे इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करा रहे हैं, दैट इज़ हम अपने लिस्ट को क्रिएट करा रहे हैं डिजिटली इनसाइड आर enum, इनसाइड आर इन्यूमरेशन मॉडिफायर हम कह सकते हैं, हम क्रिएट करा रहे हैं अपना एक लिस्ट को एंड वो कंटेन कर रहा है डिफरेंट एलिमेंट्स। सो ये जो नंबरिंग होगी वो हमारी क्या होगी? एलिमेंट्स इन अ सीक्वेंस। सो ये जो enum है ये जो एलिमेंट्स कंटेन करता है, ये एलिमेंट्स कंटेन करेगा जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा है इंटरफेस। इंटरफेस में हमने डिस्कस किया था कैसे हमने इसके अंदर मेथड्स क्रिएट किए थे, मेथड्स क्रिएट किए थे एंड डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हम इसमें प्रोवाइड करा सकते थे इंटरफेस में। सिमिलरली हम अपने enum में क्या करेंगे? अब enum में हम अपने डिफरेंट एलिमेंट्स को प्रोवाइड कराएंगे एंड उसको गो थ्रू कराएंगे विद आर मेन फंक्शन। सो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा कि इन्यूमरेशन एग्जैक्टली होता क्या है। देन यहाँ पे आप देखिए मैंने यहाँ बेसिक सिंटैक्स प्रोवाइड किया है फॉर आर इन्यूमरेशन, कि हम कैसे इन्यूमरेशन को डिक्लेयर कराते हैं। सबसे पहले हमें एक enum लिखना है अपनी जावा फाइल के अंदर। enum दैट इज़ enum हम क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे? बिकॉज हम इन्यूमरेशन क्रिएट कर रहे हैं, एक टाइप ऑफ लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं अपनी जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। देन हमें उसको कोई भी एक नेम प्रोवाइड कराना है, दैट इज़ हम इसे कह सकते हैं ये हमारा है enum। नेक्स्ट हमें इनसाइड दिस डिफरेंट एलिमेंट्स को कंटेन कराना है।
देन हमें अपनी क्लास को क्रिएट करना है, पब्लिक क्लास, एंड उस क्लास को एक नेम प्रोवाइड कराएंगे जैसे हम नॉर्मली क्लास क्रिएट करते हैं। उसके अंदर हमारा मेन मेथड यूज़ होता है, डेट इज़ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड उसके अंदर हम लिखते हैं स्ट्रिंग args। देन हम अपना अनदर कर्ली ब्रेसेस ओपन करके, आप यहाँ पे देखिए, ये मेन पॉइंट है, आपको ये रिमेम्बर रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, enum नेम प्रोवाइड कराना है। दैट इज़ अगर यहाँ पे आपने लाइक कुछ भी लिखा है, अगर हम कहें यहाँ पे आपने लिखा है लेबल, दैट इज़ आपकी enum अबारी हो गई लेबल। सो यहाँ पे अब क्या होगा, लेबल, देन हमें यहाँ पे क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट का नेम। तो ऑब्जेक्ट का नेम हम लिख देते हैं लेट्स obj, एंड आप कुछ भी प्रोवाइड करा सकते हैं। देन हम यहाँ पे अब क्या प्रोवाइड कराएंगे, अगेन enum नेम, एंड डॉट में हम क्या प्रोवाइड कराएंगे, enum का एलिमेंट। दैट इज़ अगर हम कहें ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या कंटेन कर रहे हैं, लाइक कंटेन कर रहे हैं लो, मीडियम, एंड हाई। सो हम जो हमारा एलिमेंट्स होगा इसमें से कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है, हम लिख देते हैं लो। एंड देन हम जब आउटपुट प्रिंट कराएंगे इसके लिए अपने obj को फ्रॉम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ऑब्जेक्ट डॉट लेवल से, सो ये प्रोवाइड क्या करेगा, हमें आउटपुट में प्रोवाइड करेगा लो। सो लेट्स हैव अ लुक हेयर फर्स्ट एट द नोट्स जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। इसमें मैंने आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया है enum के बारे में, ये PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। एंड यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ शॉर्ट में इसलिए प्रोवाइड कराई है ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पहले क्या बताया कि आप enum को अलग से क्रिएट कर सकते हैं, बट अगर आप करना चाहें अपने enum को इनसाइड अ क्लास भी क्रिएट करा सकते हैं। इनसाइड क्लास क्रिएट कराने में एंड आउटसाइड क्लास कराने में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपको याद रखना है ये बेसिक सिंटैक्स कि ये होता है हमारी enum लेवल के लिए, हम कह सकते हैं हमारी इन्यूमरेशन के लिए। देन आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना आना चाहिए, दैट इज़ आप कह सकते हैं यहाँ पे जो इन्यूमरेशन के जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे उनको आउटपुट में प्रिंट कराना आना चाहिए यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट का मैंने आपको बेसिक सिंटैक्स बता दिया है, एंड इसका आउटपुट देखिए मैंने आप प्रोवाइड करा दिया विद द नेम मीडियम। सो लेट्स हैव अ लुक, जो भी लोग CD पे कमांड प्रॉम्प्ट पे वर्क कर रहे हैं तो ये इसे कैसे रन करा सकते हैं। मैं अपनी इस फाइल को enum नेम से सेव कर रही हूँ। सो लेट्स हैव अ लुक हेयर, अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँगी। जैसे ही आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट के उस फोल्डर फाइल में चले जाएंगे, यहाँ पे आपको रन क्या करानी है, आपको सिर्फ रन करानी है अपनी मेन क्लास वाली फाइल को जिससे आपने नेम सेव किया है, एंड आपको उसे रन इसलिए कराना है जैसे हमने प्रीवियस इंटरफेस में देखा था, हमने अपनी जो इंटरफेस क्रिएट करा था उसको रन ना करा के हमने डायरेक्टली रन किसे कराया था, अपनी मेन फाइल को जिसमें हमारा एग्जैक्टली कोड रन हो रहा है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कोड रन तो क्लास के अंदर ही हो रहा है ना, पब्लिक क्लास मेन के अंदर हमारा मेन मेथड जिसमें यूज़ होता है, हमें उस फाइल को रन करना ज़रूरी होता है बिकॉज आउटपुट हमें प्रोवाइड नहीं होगा। एंड आप ये कह सकते हैं सेट ऑफ सिक्योरिटी के लिए हम एलिमेंट्स कंटेन करा रहे हैं, सो हमें क्या करना है, हमें पासवर्ड को छेड़ना नहीं है, जो हमारा पासवर्ड है उसका हमारा यूज़ नहीं होगा। हमें क्या लेना है, हमें सिर्फ मनी लेना है लॉकर में से जैसे हमने इंटरफेस में किया था। सो दैट इट,
आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने सिर्फ अपना मनी लिया है, दैट इज़ आउटपुट प्रोवाइड कराया है। नेक्स्ट हैव अ लुक कि हम स्विच स्टेटमेंट में भी प्रोवाइड करा सकते हैं अपने मीडियम को, हम कह सकते हैं अपने इन्यूमरेशन को। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमने इनम क्लास को अपना अलग से प्रोवाइड किया है, बट सेव किस में, ये फाइल के अंदर ही सेव है बिकॉज इसका यूज़ हमारा मेन फंक्शन के अंदर हो रहा है, ये हम कह सकते हैं मेन मेथड के अंदर हो रहा है। एंड स्विच में नॉर्मली कुछ नहीं है, इसमें हमने सिर्फ जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है माई वेरिएबल नेम से, उसको हमने इनसाइड आर केसेस प्रोवाइड करा दिए विद इनम एलिमेंट्स। एंड जो हमारा माई वेरिएबल कंटेन कर रहा है, दैट इज जो ऑब्जेक्ट कंटेन कर रहा है एलिमेंट, वो है हमारा मीडियम। सो ये आउटपुट प्रोवाइड कराएगा हमें मीडियम लेबल। सो एक बार आप इस कोड को रन करके देख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो सो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट है लूप थ्रो एंड इनम कि हम लूप को कैसे रन करा सकते हैं। एंड ये वाला जो लूप है, अगर आपको रिमेंबर हो सो ये लूप है फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, जो हमारा रेस्पेक्टिव मेथड है या हम कह सकते हैं रेस्पेक्टिव वे है या सिंटैक्स है, वो हमारा है ये फॉर लेवल में हमने प्रोवाइड कराया अपना ऑब्जेक्ट, देन फॉर ईच हमने प्रोवाइड कराया है रेशियो शाइन, देन लेवल डॉट वैल्यूज। एंड ये जो लेवल है यहाँ पे कंटेन क्या करेगा, सो लेट्स हैव अ लुक इसका फुल कोड क्या होगा। सी इसका फुल कोड होगा ये, सबसे पहले आपने अपनी एक क्लास क्रिएट करी, उसके अंदर आपने इनियम मॉडिफाई यूज़ किया, देन उसको एक नेम प्रोवाइड किया, उसके अंदर आपने डिफरेंट एलिमेंट कंटेन कराए। नेक्स्ट हेयर में आपको एक चीज़ बता दूँ, आप सोच रहे होंगे हमने यहाँ डिफरेंट लाइन में यूज़ किया है इनम को, देन हमने यहाँ टर्मिनेटर यूज़ क्यों नहीं कराया। टर्मिनेटर का यूज़ यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे यूज़ करना है हमें कॉमा, बिकॉज हम यहाँ पे यूज़ क्या कर रहे हैं इनम को एज अ एलिमेंट कंटेनिंग, एक बॉक्स जो होता है जो एलिमेंट कंटेन कर रहा है वो है हमारा इनम। सो एलिमेंट को हम जब भी कंटेन कराते हैं सो विद कॉमा प्रोवाइड कराते हैं। सो आई होप ये आपको समझ में आया हो। एंड ये है उसका फुल कोड जो हमारे ये फॉर लूप, फॉर ईच लूप हमने ये प्रोवाइड कराया है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द आउटपुट हेयर। इनम डॉट जावा वेट गाइस, वेट वेट डॉट जावा इनम। सी आउटपुट प्रोवाइड करा रहा है हमें सभी एलिमेंट्स को, लो मीडियम एंड हाई, बिकॉज हमने वैल्यूज़ को प्रोवाइड कराया अपनी इनम को। सो आप इस सिंटैक्स को याद कर सकते हैं फॉर ईच लूप को रन कराने के लिए, फॉर ईच में हमने वैल्यूज़ को प्रोवाइड कराया है। एंड ये जो वैल्यूज़ है वो एज अ मेथड यूज़ होती है हमारी फॉर ईच लूप में। सो आई थिंक आपको ये सब समझ में आया होगा जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया। एंड यहाँ पे डिस्कस किया है हमने डिफरेंस, एंड ये डिफरेंस को मैंने आपको शॉर्ट में प्रोवाइड करा दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।